नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और छोटा सा एक टिप आज आप लोगों के लिए है मेरे पास सैमसंग F41 को लेके। वन यूआई 3.0 और एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ वो आपके काफ़ी हेल्प आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको अपने मैसेजेस को प्राइवेट रखना है, फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन स्क्रीन में यहाँ पे मेरे को अभी अभी एक ईमेल आई है, तो इस ईमेल का कंटेंट अगर मैं चाहूँ अभी नोटिफिकेशन स्क्रीन में ही देख सकता हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको वो नोटिफिकेशन स्क्रीन में उसके डिटेल्स या जो मेल की, फॉर एग्जांपल ईमेल आया है, ईमेल की जो बॉडी है वो आपको नहीं देखना है, प्राइवेटली आपको बाद में देखना है। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक छोटा सा सेटिंग है जो आपको चेंज करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं आज। तो अभी अभी मैंने अपने आप को एक ईमेल भेजी है और वो ईमेल अभी आ ही जाएगी, और उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन में आप अपना जो मेल वो देख सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे लॉक स्क्रीन में वो मेल की बॉडी या मेल में जो कॉन्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं देखना है, वो मुझे बाद में फ़ोन को अनलॉक करने के बाद देखना है। हो सकता है आप कहीं बैठे हो प्राइवेटली, या कहीं पे आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे और भी लोग हों, और आपको वो बॉडी आप चाहते नहीं हो कि वो ऑन स्क्रीन लॉक स्क्रीन में दिखे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी अभी मेरी मेल आई है, मैं स्क्रीन में अगर डबल टैप करूँ और ये जो ईमेल मेरी यहाँ पे है इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे स्वाइप डाउन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेल में जो लिखा हुआ है मेरे, वो जो है मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है लॉक स्क्रीन से ही, जो कि ओके है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। बट आपको अगर चाहिए कि लॉक स्क्रीन में मुझे सिर्फ मेल दिखे कि किससे मेल आई है और मुझे मेल में क्या लिखा हुआ है वो ना दिखे, तो वो आप सेटिंग्स कैसे करोगे? वन यूआई 3.0 के अपडेट के बाद वो सेटिंग आ चुकी है, वो कैसे करना है वो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आपको चले जाना है उसके बाद लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है वो ऑप्शन दिख जाता है, उसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है आपको हाइड कंटेंट का जो ऑप्शन है, मैं क्लोज ला के दिखा देता हूँ। हाइड कंटेंट जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, उसको आपको बस ऑन कर देना है। और इसके बाद जब आप ऑन कर दोगे तो आपको जो है, आप वापस अगर जाके अभी दोबारा मैं मेल भेजता हूँ अपने आप को और आपको चेक करवाऊँगा कि लॉक स्क्रीन से आप अब मेल की जो बॉडी है, जो आपने मेल में क्या लिखा हुआ है वो आप देख नहीं पाओगे। यहाँ पे एक दो ऑप्शंस और आपको दिख जाएंगे कि आपको आइकन दिखाना है या डिटेल दिखानी है। यहाँ पे डिटेल रखा हुआ है मैंने, बिकॉज उस केस में मुझे दिख जाता है कि मुझे मेल किससे आई हुई है। और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नीचे आपको दिख जाती है एक और ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल मेल की बॉडी है उसके नीचे आपका जो वॉलपेपर है वो विजिबल हो ना हो। मैं ट्रांसपेरेंसी को जनरली लो रखना पसंद करता हूँ, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे यहाँ पे हाइड कंटेंट जो ऑप्शन है वो आप ऑन कर लें। अब मैं दोबारा चला जाता हूँ लॉक स्क्रीन पे और अपने आप को दोबारा मेल भेजूंगा, और आप देखेंगे कि लॉक स्क्रीन में आप बस देख पाएंगे कि आपको मेल किससे आई हुई है, मेल की बॉडी में क्या है वो आप नहीं देख पाएंगे। तो दोबारा मैंने अपने आपको एक मेल भेज दी है, यहाँ पे अभी ईमेल आ जाएगी 2 मिनट में, और उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि जो सेटिंग्स हमने ऑन करी है हाइड कंटेंट करके, वो सेटिंग जो है क्या काम कर रही है इस केस में। तो यहाँ पे मेरी जीमेल एक आ चुका है, आप देख सकते हैं जीमेल का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं स्क्रीन में डबल टैप करूँ और यहाँ पे वन न्यू मैसेज दिखा रहा है बॉबी रॉय फोटोग्राफी से, तो इसको मैं अगर खोलना चाहूँ यहाँ पे, ये नहीं खुलेगा बिकॉज ऑफ दैट सेटिंग जो मैंने की थी। मैं क्लोज ला के दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं खोलना चाहूँ इसको तो जो है ये फिर भी नहीं खुल रहा है, बिकॉज मैंने जो है वो सेटिंग जो है ऑन करी थी। तो ईमेल खोलने का एक ही तरीका है, स्क्रीन को अनलॉक करके मैं ऑफकोर्स जीमेल में जो ये वन नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे जाके देन आई कैन ओपन द सेम ईमेल। तो ये जो है तरीका है जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो मेल, काफ़ी ऐसे मेल्स आ सकते हैं आपको जो कि इम्पॉर्टेंट मेल्स हों, या आप चाहते नहीं है कि लॉक स्क्रीन में आपको मेल का कंटेंट दिखे। सिर्फ ये ईमेल के साथ काम नहीं करता, इसको आप डिफरेंट ऐप्स के साथ भी कर सकते हैं। ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गई, या कोई और ऐप हो गया जिसका आप नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप हो गया जिसके आप नोटिफिकेशन चाहते हैं आए बट जो डिटेल है वो आपको ना दिखे। तो आपको बहुत सिंपली सेटिंग्स में जाके यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाके आपको नीचे जाना है, और नीचे जाके आपको नोटिफिकेशंस पे जाके सिंपली यहाँ पे हाइड कंटेंट का जो ऑप्शन है वो कर देना है क्लिक, जिसकी वजह से आपके जो कंटेंट है ईमेल में, व्हाट्सएप पे,
कोई भी दूसरे ऐप में वो हाइड हो जाएगा। ये एंड्रॉयड 11 का नोटिफिकेशंस का एक अलग से जो है बहुत अच्छा मुझे फीचर लगा है, और भी काफ़ी कुछ फीचर्स है जो मैं रेगुलरली डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से जब जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ वीडियोज विच आई प्रोड्यूस ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आई होप आप लोगों को ऐसे वीडियोज से जो है काफ़ी मदद मिल रही है। तो मैं बहुत जल्द आशा ये भी कर रहा हूँ कि सैमसंग का जो दूसरा फ़ोन है मेरे पास M51, इसमें भी जो है अपडेट एंड्रॉयड 11 काफ़ी जल्दी आने वाला है। जैसे ही एंड्रॉयड 11 का अपडेट और One UI 3.0 का अपडेट M51 में आ जाएगा, ऑफकोर्स उस पर भी एक जो है बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो जल्द ही बनने वाली है, तो उसके लिए भी जो है वेट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं समाप्त करूँगा आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।